जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 3200 दांत झड़ जाए। जो आदमी रामचरितमानस को जो अपमान करेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवा। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को लेकर बिहार की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ी हुई है, थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोल रहा है। विपक्ष की तरफ से जब बागेश्वर बाबा पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसका पलटवार बीजेपी पुरजोर तरीके से कर रही है। एक बार फिर से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने वैसे लोगों को चेता दिया है जो बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने बचपन से ही ये संकल्प लिया है कि देश की दशा और दिशा बदलेंगे, उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जो भी लोग उसका विरोध करेंगे वो आंधी की तरह उड़ जाएंगे। तो देखिए किस तरह से अश्विनी चौबे ने ये चेतावनी दी है और कहा है कि कोई भी बागेश्वर बाबा के सामने नहीं टिक पाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन संस्कृति के एक बहुत ही बड़े कह सकते हैं संरक्षक है, और उन्होंने बाल्यकाल से ही भक्ति भाव से हनुमंत की शक्ति से देश को दिशा और दशा और दिशा दोनों बदलने का जो वो संकल्प लिया है, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा? आपको मालूम है आंधी के तरह उड़ जाएगा, आंधी के तरह उड़ जाएगा। इसलिए आप जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 3200 दांत झड़ जाए। भाई शिक्षा मंत्री तो मूढ़ है, इनको कोई शिक्षा और दीक्षा से लेना नहीं। बिहार की शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया। जो आदमी रामचरितमानस को जो अपमान करेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और रामचरितमानस का अपमान करने वाला वो मिट्टी में मिल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होने दिया जाएगा? धीरेन्द्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होगा, मैं स्वयं खड़ा रहूंगा, देखते हैं किसका मजाल। आपने बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर अश्विनी चौबे ने किस तरह से चेताया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी विरोध करेगा उसके 32 के 32 दांत जो हैं वो झड़ जाएंगे। देखा जाए तो लगातार बिहार में सियासत हो रही है, लगातार इसको लेकर बयानबाजी की जा रही है, और ऐसे में वैसे लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं उसको लेकर बीजेपी काफी आक्रोशित है। इतना ही नहीं, अश्विनी चौबे ने ये तक कह दिया है कि उसके 32 दांत झड़ जाएंगे। साथ ही साथ जब उनसे ये पूछा गया कि शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं चंद्रशेखर, वो ये कहते हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा यहाँ गंदा काम करने के लिए आ रहे हैं, उस पर अश्विनी चौबे ने तंज कसा और कहा कि शिक्षा मंत्री तो मूर्ख हैं, उनके वजह से बिहार की शिक्षा चौपट हो गई है। जो व्यक्ति रामचरितमानस पर विवादित बयान दे सकता है, जिसे रामचरितमानस का कद्र नहीं है, उसे बागेश्वर बाबा का क्या ही कद्र होगा, उनकी तो बात करना ही बेकार है। लगातार इसको लेकर हालांकि सियासत देखने को मिल रही है, और ऐसे में बयानबाजी का दौर अभी तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जब तक वो आ नहीं जाते हैं, और ऐसे में पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप भी चलता ही रहेगा। इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।